नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। क्रिकेट आइकन और बेहद ही लोकप्रिय नेता पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PTI के प्रमुख इमरान खान के नेतृत्व वाली पूर्व निर्वाचित सरकार सत्ता में तब तक रही जब तक कि उसने सेना से दुश्मनी नहीं मोल ली। फिर नाटकीय घटनाक्रम के बाद अविश्वास मत के माध्यम से उन्हें बाहर कर दिया गया। अब उन पर कई आपराधिक आरोपों में मामले दर्ज किए गए हैं और दोषी ठहराया गया है। वस्तुतः मतदान की पूर्व संध्या से पहले उन्हें 3 मामलों में अब तक जेल की सजा मिल चुकी है। इमरान को मिली सजा उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराती है। 8 फरवरी के चुनाव से पहले उच्च न्यायपालिका में अपील के माध्यम से इसे रद्द किए जाने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही। अदालती कार्रवाई जेल के अंदर हुई और सजा जानबूझकर चुनाव की पूर्व संध्या पर उनकी पार्टी और समर्थकों को हतोत्साहित करने के लिए दी गई लगती प्रतीत होती है। इमरान की पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व को न केवल न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से बल्कि देश भर में PTI नेताओं पर अभूतपूर्व कार्रवाई के माध्यम से व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा है ताकि उन्हें चुनावी मुकाबले से हटने के लिए राजी किया जा सके। सबसे बढ़कर उनकी पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा अपने आधिकारिक प्रतीक क्रिकेट बैट के उपयोग से इनकार कर दिया गया। बाद में न्यायपालिका द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। चाहे कितनी भी सावधानी से आयोजित किया गया हो, चुनाव के नतीजे की भविष्यवाणी करना कठिन ही होगा। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को चुनाव होना है। इस चुनाव में पाकिस्तान की जनता अपने देश का अगला प्रधानमंत्री चुनेगी। पाकिस्तान का चुनावी परिदृश्य। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या लगभग 21.97 करोड़ है, जिसमें से 12.69 करोड़ लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। पाकिस्तान चुनाव के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए हैं। पाकिस्तान में पुरुष वोटर्स की संख्या 6.85 करोड़ है और महिलाओं की संख्या 5.84 करोड़ है। अल्पसंख्यक वोटरों की संख्या 36 लाख और 18 लाख हिंदू मतदाता है। हाल की जनगणना अनुपस्थिति, बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाकों में शहरों की और जनसंख्या में निरंतर बदलाव और रस्मीय राष्ट्रव्यापी जन्म संरक्षण और मतदान डेटा की कमी का मतलब है कि कोई भी भविष्यवाणी ज्यादातर अनुमान ही मात्र है। 2018 के चुनाव में 52% से भी कम वोटिंग हुई थी। वहीं पाकिस्तान के चुनावी इतिहास में सबसे अधिक वोटिंग 1971 के साल में हुई थी, जब 61% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था। चुनावी प्रक्रिया। पाकिस्तान भी भारत की तरह ही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का पालन करता है। इसका मतलब है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार को ही विजयी माना जाएगा। उम्मीदवार राष्ट्रीय असेंबली के निचले सदन और 4 प्रांतीय विधानसभाओं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में अपनी किस्मत आजमाएंगे। परिसीमन प्रक्रिया के बाद नेशनल असेंबली की ताकत 336 है। इसमें से 266 सामान्य सीटें होंगी, 60 सीटें महिलाओं के लिए और 10 गैर मुस्लिमों के लिए आरक्षित। हालांकि किसी भी एक पार्टी द्वारा इसे हासिल करने की उम्मीद नहीं है। प्रांतीय आधार पर सामान्य सीटों का आवंटन इस प्रकार है: पंजाब 141, सिंध 61, खैबर पख्तूनवा 45, बलूचिस्तान 16 और संघीय राजधानी क्षेत्र 31। इस चुनाव में पहले की तरह सामान्य सीटों पर पार्टियों के प्रदर्शन के आधार पर जीत या हार होगी। इसके अलावा पंजाब में अन्य 3 प्रांतों संघीय राजधानी क्षेत्र की संयुक्त संख्या से अधिक सीटें हैं। इस प्रकार जो पार्टी पंजाब को नियंत्रित करती है वह पाकिस्तान को नियंत्रित करती है। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में चुनाव कार्यवाहक सरकार के दौरान कराए जाने की परंपरा है। पाकिस्तान चुनाव के प्रमुख चेहरे PPP। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की मध्य वामपंथी धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे प्रमुख राजनीतिक ताकत बनी हुई है। इसने अन्य दलों के साथ गठबंधन में निर्वर्तमान सरकार का नेतृत्व किया, सिंध विधानसभा को नियंत्रित किया और पंजाब को छोड़कर अन्य सभी प्रांतों को चलाने वाले सत्तारूढ़ गठबंधन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो पार्टी के नए प्रमुख नेता हैं। चुनाव से ठीक पहले बिलावल का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ होने वाले चुनाव जीतकर सत्ता में वापस आते हैं तो वह विदेश मंत्री नहीं बनेंगे, मैं उसी पुरानी राजनीति में शामिल नहीं हो सकता। वहीं कई रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इमरान खान पर बढ़ते मुकदमों और सजा के बीच अब बिलावल भुट्टो के बयानों में इमरान के लिए हमदर्दी और नवाज के लिए तलखी बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में चुनाव के नतीजों के बाद इमरान और बिलावल पासा पलटने वाले हैं। पाकिस्तान में सेना के विरोध की वजह से हाशिए पर चल रहे इमरान खान ने 3 पार्टियों से दोस्ती करके अपनी सियासी भविष्य को बचाने की योजना बनाई। PMNL नवाज। रूढ़िवादी दक्षिणपंथी PMNL या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नेतृत्व नवाज शरीफ द्वारा किया जाता है, जो 1999 में मुशर्रफ द्वारा अपदस्थ प्रधानमंत्री थे और परिचित राष्ट्रीय अपील के साथ PPP के बाहर एकमात्र व्यक्ति थे। शरीफ के इस बार सत्ता में लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्हें सेना का भी समर्थन प्राप्त है। नाटकीय घटनाक्रम में इमरान खान को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने कमान संभाली। नवाज शरीफ की सालों बाद वतन वापसी हुई। ये चुनाव PMNL नवाज शरीफ के चेहरे पर लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ ऐसे स्थितियां बनाने के लिए मुनीर पर भरोसा कर रहे हैं, जो चुनाव में चुनावी मैदान को PMNL के पक्ष में झुका दे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मुनीर को नवंबर 2022 में पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा का उत्तराधिकारी बनना चाहिए, भले ही सेना का नेतृत्व करने के लिए उनकी पदोन्नति में तकनीकी कठिनाइयां थी। जाहिर है नवाज शरीफ को लगता है कि मुनीर को खान के खिलाफ उस समय से काफी शिकायतें हैं, जब खान ने प्रधानमंत्री के रूप में बाजवा पर उन्हें DGISI के पद से हटाने और उनकी जगह फैज हमीद को नियुक्त करने पर का दबाव डाला था। PTI पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पूर्व क्रिकेटर
स्टार इमरान खान के नेतृत्व वाली पार्टी है, जिसने पिछले चुनाव में मुख्य पार्टियों के प्रति लोकप्रिय गुस्से और निराशा का फायदा उठाया और नया पाकिस्तान का नारा देकर सत्ता हथिया। लेकिन इस बार की परिस्थितियां बेहद अलग हैं। इमरान खान जेल के अंदर है। पाकिस्तान के क्रिकेट कप्तान के रूप में इमरान खान के पास असंभव स्थिति से मैच जीतने की क्षमता थी। वह इस आदत को दोहराने की उम्मीद कर रहे हैं। इस बार राजनीतिक क्षेत्र में भले ही उन्हें कई बार जेल की सजा का सामना करना पड़ा हो और पद से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया हो, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पत्नी बुशरा बीवी को गैरकानूनी शादी के लिए 7 साल जेल की सजा भी सुनाई गई। खान के खिलाफ यह तीसरी अदालती सजा थी। इससे पहले 31 जनवरी को तोशखाना मामले में उन्हें 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई। वह 30 जनवरी को खान को उनके पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ सिफर मामले में राज्य के रहस्यों को लीक करने के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। पीटीआई के लिए जीत दूर की कौड़ी लगती है। पार्टी के कई चर्चित चेहरे सामने नहीं आ रहे और आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना इमरान खान को किसी भी हालत में सत्ता में नहीं आने देगी। पीटीआई द्वारा समर्थित उम्मीदवार विजयी होते हैं तो वह पार्टी के साथ बने रहने के लिए बाध्य नहीं है और परिणाम के बाद किसी अन्य समूह के साथ जुड़ सकते हैं। जमात इस्लामी मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी एक प्रमुख धार्मिक पार्टी है, जिसने 2008 के चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन इस बार इस्लामवादी राष्ट्रवादी मंच पर भाग ले रही है। यह पाकिस्तान रक्षा परिषद का सदस्य भी रह चुका है। गेम चेंजर, इस बात के कयास बहुत पहले से ही लगाए जा रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया में सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के हस्तक्षेप की पूरी उम्मीद है। सेना और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI जासूसी एजेंसी ने गुप्त रूप से राजनीतिक प्रॉक्सी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। सेना पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली संस्था बनी हुई है, लेकिन अलोकप्रिय मुशर्रफ द्वारा कलंकित होने और अधिक खुले कम नियंत्रित सार्वजनिक संवाद के संदर्भ के बाद उसने सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ाए। वैसे तो पाकिस्तान के राज्य में चुनाव में हस्तक्षेप की कोई नई बात नहीं है। 2018 के चुनाव तरह ही आगामी फरवरी के चुनाव का भी कुछ ऐसा ही हर्ष होता दिख रहा है। केवल इस बार स्थिति बदल गई है, जिससे PTI की कीमत पर PMNL को प्रमुखता मिलती दिख रही है। न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनवर जहीर जमाली के नेतृत्व में सक्रिय न्यायाधीश मुशर्रफ काल के बाद से खुद को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने में सफल रहे हैं। जब कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जमाली लोकतांत्रिक कानून अधिकारों के स्वयंभू चैंपियन हैं और हाल में कभी कभी हद से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्होंने राजनेताओं के लिए न्यायिक स्वतंत्रता को एक ऐसा वास्तविक मुद्दा बना दिया। एक ही दिन में चुनाव और नतीजे, पाकिस्तान में बैलेट पेपर से मतदान कराए जाने के बाद भी वोटिंग के दिन ही काउंटिंग भी हो जाती है और आमतौर पर परिणाम भी आ जाते हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान की जनसंख्या में वोट देने वाले भी करोड़ों में हैं। ऐसे में परिणाम एक ही दिन में आ जाने के पीछे कारण यह है कि पोलिंग बूथ पर ही अधिकारी अपने हाथों से वोटों की गिनती कर लेते हैं और चुनाव के दिन देर रात तक नतीजे घोषित कर दिए जाते हैं। तो आज हमने आपको पाकिस्तान चुनाव के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।